ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जोहार छत्तीसगढ़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। वैश्विक महामारी से पूरा विश्व परेशान है, लेकिन अब वैक्सीन तैयार हो जाने से थोड़ी राहत मिली है। भारत में भी दो कंपनी की वैक्सीन को इजाजत मिल गई है और वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज धर्म जयगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई। मंगल भवन को वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित किया गया है। प्रथम दिन 100 लोगों को टीकाकरण के लिए चुना गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मितानी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। शासन ने टीकाकरण के लिए कई चरण निर्धारित किए हैं, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद फ्रंटलाइन को टीका लगाया जाएगा। हमारे जिले में तो बहुत पहले शुरू हो चुका है और आज तारीख से हमारे यहाँ विकासखंड धर्मजयगढ़ में मंगल भवन में जी प्रारंभ किया गया है और ये जो है अब लगातार चलेगा धर्मजयगढ़ में। कब तक चलेगा सर? कुछ ये जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है, हितग्राहियों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वर्करों को, फिर 50 साल उम्र पार कर चुके लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। धर्मजयगढ़ में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। धर्म जयगढ़ से भरत लाल साहू की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।